अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। यहाँ पे जो है टाइम हो गया है 4:30 हो चुके हैं। नमाज के लिए लेट हो गए थे और ये इब्राहिम नमाज पढ़ रहे हैं। चलो इब्राहिम सीधे हो बेटा, सीधे हो के लाइला पढ़ लो बाबा के साथ। ऐसी सीधे हो के लाइला पढ़ लो, सीधे हो के जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से अल्लाह ख़त्म करो। आज जो है मैं बनाऊंगी थोड़ा सा कोरमा, और ये प्याज मैंने कट कर लिए हैं क्योंकि गैस हमारी चली जाती है, इफ्तारी के टाइम बहुत स्लो हो जाती है, तो जो है मैंने अभी से काम स्टार्ट कर लिया है। इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी है और इसको जो है 3 महीने तक हम पका लेंगे, इसके तेज आंच कर देंगे ताकि ब्राउन हो जाए। जब तक ब्राउन होती है ये मैंने इसमें जो है वो अदरक लहसुन डाल के प्याज निकालने के बाद, ठीक है, अदरक थोड़ा सा भुना है 5 मिनट, तो उससे 3 मिनट के लिए। और फिर मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी, चिकन को भुना है 5 मिनट, और फिर मैंने दही और प्याज बाद में ऐड किए। पहले 1 चम्मच मैंने सिर्फ कोरमा मसाला डाला, इसमें जस्ट 1 स्पून डाला है क्योंकि मेरे पास चिकन कम थी। आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैंने आलू के स्लाइसेस काट कर लिए हैं और जो है यहाँ पे मैंने बूंदियाँ बना के रख ली हैं, पानी में डिप की हैं, तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। थोड़ा सा बेसन डाल के उसमें 1 चुटकी ज़ीरा और 1 चुटकी नमक और रेड चिली पाउडर ऐड करके इसमें बैटर बना के अच्छे से इसको मैंने बना लिया था, फ्राई कर लिया। और यहाँ पे सब जो है पकौड़ों में जो डिप करूँगी, आलू वाले पकौड़े बनाऊँगी स्लाइसिस वाले इस तरह के, ठीक है। वो मैंने बैटर इसका तैयार कर रही हूँ। इसमें भी मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया, कुटी लाल मिर्च, बेसन और अब थोड़ा नमक और इसमें डालूँगी चाट मसाला थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी। बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये देखें इसकी बस इसी तरह से होगी। ये इनके लिए मैं स्टीम करूँगी, हल्के से ऑयल डाल के। इसमें बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, तो हल्का सॉल जाएगा, इसको हम जो है वो हिला लेंगे अच्छे से, ठीक है। आप लोगों के पास अगर स्टीमर है तो आप उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का सॉल डाला है और ये पूरा फैला दिया मैंने इसको। और इसमें जो है ये समोसा स्टीम होगा और ये थोड़ा सा नॉन स्टीम होगा, ठीक है। ये जब तक स्टीम होता है मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। हमारे रोल और समोसे स्टीम हो चुके हैं, जो है पकौड़े ऐड कर दिए इसमें, फिर फ्राई होंगे। ये मैंने निकाल ली थी बूंदियाँ, अब मैं इसका दही फेंट। ये हमारे पकौड़े भी हो चुके हैं और ये फुलकियाँ भी हो चुकी हैं और समोसे भी रेडी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो है मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ और इब्राहिम जो है अपने बाबा को तंग कर रहे हैं। इब्राहिम ये कौन लेकर आया है? इब्राहिम इब्राहिम बहुत ज़िद्दी हो रहे हैं, इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं है। इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम, इब्राहिम आज आज सलाम नहीं करोगे आप? इब्राहिम तो आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम चौथा रोज़ा खोलेंगे, चौथी इफ्तारी करेंगे, तो आप लोग भी दुआओं में याद रखें हमें। हम ये पहला अशरा रहमतों का है और इसमें बहुत सारी रहमतों को समेटें, जितना हो सकता है रहमतें समेटें। और मेरी वीडियो को अगर पसंद आए आपको तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को। इब्राहिम आप क्या खा रहे हो? यम 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 यम। मोहम्मद इब्राहिम आपने रोज़ा रखा है? चलो दस्तरखान लगाओ जल्दी से, दस्तरखान लगाओ जल्दी से, शाबाश। शोनी शोनी शोनू, इब्राहिम बातें नहीं कर रहा।
सर सफाई करो जल्दी से। इब्राहिम सफाई कर रहे हैं दस्तरखान की, जल्दी से सफाई कर लो। कर ली? अच्छा चलो अब्बा करेंगे। नहीं आप करो ना, आप करो। ये हमारी चाय आ गई है बनके। आज मैंने हाफ हाफ कप बनाया क्योंकि बस हाफ कप पीने का दिल कर रहा था। आओ जब तक हमारी चाय रखी हुई है हम जो है वो बाहर से कपड़े उतार के ले आते हैं। आज मैंने लगाई थी मशीन और कपड़े धोए थे। कपड़े मैं उतारूँगी। क्या कर रहे हो आप बताना जरा। लो ये बाज नहीं आएंगे, ये बिल्कुल भी बाज नहीं आएंगे। ये बच्चा जो है ना ये बिल्कुल भी बाज नहीं आएगा। ठीक है, इसको सब दुआओं में याद रखिएगा और अपने अपनी दुआओं में इसके लिए जरूर दुआ कीजिएगा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़ कर दो इब्राहिम। अल्लाह हाफिज़।